लखनऊ और हैदराबाद के मैच के बीच की कहानी खुद हिट की जुबानी। आज हम आपसे मांग रहे हैं खुद एक मिनट और समझ आ जाएगी फिर आपको पूरी कहानी। हेड अभिषेक के तूफान में उड़ा लखनऊ, फिर हेड ने बताया आखिर हेड होता कौन है। आज जो मैच के दौरान हुआ, अगर आपको नहीं पता तो फिर आपने बहुत कुछ मिस किया। लखनऊ और हैदराबाद के बीच हुआ सांसें रोक देने वाला मैच, फिर रुक गई धड़कनें और थम गई सांस। हैदराबाद ने लखनऊ को हराया, फिर हेड अभिषेक और ने अपना कमाल दिखाया। आईपीएल 2024 के 97वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर ज्वाइंट से हुआ था। यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 165 रन बनाए थे। बता दें कि लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 166 रन का लक्ष्य रखा था। टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 165 रन बनाए और एक वक्त लखनऊ ने 12वें ओवर में 66 रन बनाकर 4 विकेट गंवाए थे। इसके बाद आयुष बदोनी और निकोल्स पूरन ने 52 गेंद में 99 रन की नाबाद साझेदारी निभाई। बदोनी ने 30 गेंद में 9 चौके की मदद से नाबाद 55 रन बनाए। वहीं पूरन 26 गेंद में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 48 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें जवाब में हैदराबाद ने 9.4 ओवर में। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की पारी की शुरुआत हुई। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड क्रीज उतरे। लखनऊ के लिए पहले ओवर में कृष्णप्पा गौतम ने गेंदबाजी की। एक ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के 8 हो गया। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स को 10 विकेट से हरा दिया। टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 165 रन बनाए। 166 रन के लक्ष्य को हैदराबाद की टीम ने 10 ओवर के अंदर यानी 9.4 ओवर में हासिल कर लिया। हैदराबाद ने 62 गेंद शेष रहते मैच जीता। ट्रेविस हेड ने 30 गेंद में 8 चौके और 8 छक्के की मदद से 79 रन और अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद में 8 चौके और 6 छक्के की मदद से 75 रन की नाबाद पारी खेली। अभिषेक ने छक्के के साथ मैच को खत्म किया।